हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेश पटेल पाणु आईवीएफ सेंटर सूरत की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूं और ये वीडियो है फीटल रिडक्शन की प्रोसीजर का। फीटल रिडक्शन का मतलब क्या होता है? फीटस मतलब जो पेट में बच्चा है वो, और रिडक्शन मतलब जब भी एक से ज़्यादा बच्चे पेट में रहते हैं, ट्विन्स है या ट्रिपलेट है या उससे भी ज़्यादा क्वाड्रुप्लेट या क्विंटुप्लेट है, तो ऐसे केसेस में एक या ज़्यादा बच्चे को हम दवाई देके उसका ग्रोथ स्टॉप करते हैं, उसका हार्ट बंद कर देते हैं। और ये प्रोसीजर जो है वो सोनोग्राफी गाइडेड किया जाता है और ये प्रोसीजर को फीटल रिडक्शन किया जाता है। प्रोसीजर का पर्पज़ ये है कि ट्रिपलेट या हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसी जब होती हैं तो ऐसे केसेस में अधूरे महीने पे डिलीवरी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हम सभी बच्चे खो देते हैं। एक या दो बच्चों को सेक्रीफाइस करके हम ट्विन्स तक का प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं और उसमें 8वें या 9वें महीने तक, यानी कि बच्चे की मैच्योरिटी आ जाने तक हम उसको पुल आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आईवीएफ प्रेगनेंसीज में बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा है। इवन नेचुरली भी अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी रुक गई है तो ऐसे केसेस में हम फीटल रिडक्शन कर सकते हैं। कभी कभी इवन ट्विन्स प्रेगनेंसी में भी रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है जब एक बच्चे में कुछ खराबी हो, स्ट्रक्चरल खराबी हो या क्रोमोसोम की खराबी हो, तो ऐसे केसेस में भी फीटल रिडक्शन हम वो बच्चे का कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को आगे ऑलरेडी एक या दो बच्चे होते हैं और उसको ट्विन्स रुक जाता है, पेशेंट को केवल एक ही बच्चा चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी हम फीटल रिडक्शन का प्रोसीजर करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये प्रोसीजर कैसे करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें वीडियो में आप देख सकेंगे। सोनोग्राफी का पिक्चर है और इसको देखते हैं। ये जो है एक फीटस है और इसकी प्लेसेंटा है, यहाँ से नीडल आएगी और ये नीडल हमारी आ चुकी है और फीटस का हार्ट इधर है। दूसरा फीटस ये पिक्चर में नहीं है, बाद में हम दिखाएंगे। ये नीडल जो है वो उसके बॉडी में हम एंटर कर रहे हैं। प्रोसीजर हम स्लोली और स्टेडीली करते हैं। नीडल हमारी निगरानी में कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए क्योंकि ये फीटस की जो जगह है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, दूसरा फीटस बगल में ही है। तो ये नीडल जो है वो अभी उसके थोरेक्स में हार्ट तक पहुंच चुकी है और उसमें हम दवाई डालेंगे। ये दवाई डाला गया, उसका मूवमेंट भी आप देख सकते हैं और अभी उसका हार्ट स्टॉप हो गया है। इमीडिएटली हार्ट स्टॉप हो जाता है जब दवाई डाला जाता है, तो और एक बार वो स्टॉप हो जाता है फिर एक आध मिनट तक हम ऑब्जर्व करते हैं, रीस्टार्ट नहीं होता है वो देख के। दूसरा बेबी जो है उसके हार्ट बीट्स एज इट इज़ चालू रहते हैं और कंटिन्यू रहता है ये प्रेगनेंसी। यूजुअली जो ऊपर वाला होता है वो हम प्रीफर करते हैं जिसमें अबॉर्शन का रिस्क कम रहता है, अगर नीचे वाले में करते हैं तो उसमें अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है वजाइना थ्रू निकल जाने का। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग और हमारे वीडियोस आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारे और भी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आपके दोस्त और जो नीडी पेशेंट है उसको भी आप बताते रहिए। थैंक यू।